माँ की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। गुरु माँ रुक्मणी जी से निशुल्क मिले हर गुरुवार फ्री कुंडली परामर्श। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आकर मिले 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुरु माँ आपको आज न्योता देने आई है, एक इनविटेशन देने आई है। आप जैसा जानते हो कि हर वर्ष पहली तारीख को, पहली जनवरी को हम लोग आप सभी के लिए नव वर्ष का यज्ञ रखते हैं, जहाँ नवग्रह देवताओं की कृपा साल भर आप पे बरसती रहे, किसी प्रकार का कोई अहित आपके साथ ना हो, किसी प्रकार की कोई मुश्किल आपके जीवन में ना आए, उस सभी के निवारण के लिए हम 1 जनवरी को यज्ञ करते हैं। लेकिन इस बार मैं आप सभी को उस यज्ञ में स्वयं देखना चाहती हूँ। बहुत हो गया मोबाइल से देखना, बहुत हो गया लाइव स्ट्रीमिंग पर देखना, अब मैं चाहती हूँ आप स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें और सभी नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करें, ताकि ये पूरा वर्ष 2023 का आपके लिए बहुत ही सुखद जाए। तो इसके लिए हमारी दिल्ली शनिपीठ मंदिर में आपको आना होगा। 1 जनवरी 2023 को ये यज्ञ होगा। आप आकर के स्वयं अपने हाथ से आहुति दें। लेकिन फिर भी अगर मान लो बिल्कुल ही आना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना नाम, अपने परिवार की मुखिया का नाम हमें व्हाट्सएप करें या हमारी जो टीम है शनिपीठ मंदिर की उनको लिखवाएं, ताकि हम फिर आपके नाम से जो लोग स्वयं नहीं आ सकते, स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उनके नाम से हम आहुति प्रदान करें। अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि गुरु माँ हर वर्ष नवग्रह यज्ञ क्यों होता है, पहली जनवरी को क्यों किया जाता है? तो बहुत से मेरे बच्चे हैं जो इस बात को समझते नहीं है कि नवग्रह देवता आखिर क्या है, उनका महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो 2 मिनट पहले वो समझाती हूँ, फिर बाकी की डिटेल आपको दूंगी। देखो, नवग्रह देवता जो है, पहले तो एक बात और समझिए कि भगवान और देवता में अंतर क्या है। भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश है और उनके जितने भी अवतार हुए वो भी सब भगवान ही है। लेकिन भगवान अपनी अपनी लीलाओं में मस्त है या अपने अपने लोकों में विराजमान है। जैसे भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर पर वैकुंठ में है, माता लक्ष्मी के साथ है, जो कैलाश पर्वत पे हमारे भोलेनाथ हैं पार्वती जी के साथ हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी की नाभि कमल पर ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ विराजमान है। तो जब संसार खूब ज्यादा बढ़ गया तो भगवान ने कहा कि अब इन सभी लोगों के कर्मों का जो मापदंड है वो कैसे रखा जाए, कैसे हम जाने कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छे कर्म करता है, कोई कौन बुरे कर्म करता है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को अलग करते हुए नवग्रह देवताओं की स्थापना की, और नवग्रह देवताओं को भोलेनाथ ने, शिव शंकर भगवान ने विशेष रूप से ये आशीर्वाद दिया और ये कर्तव्य भी दिया कि आपने मनुष्य में, धरती पर जो भी मनुष्य जन्म लेगा वो आपके अधीन होगा, उनको उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से अच्छा फल दें, बुरे कर्मों के हिसाब से बुरा फल दें, और ये कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी हो सकते हैं। उसके अनुसार नवग्रह जो है वो आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं, और जितने भी भगवान की शक्तियां हैं बाकी सभी देवी देवताओं के रूप में स्थापित हैं। अब भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं होता है। आपने कहानियां सुनी होंगी, माता पार्वती ने स्वयं 20,000 साल तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था। ऐसे ही भागीरथ ने जब शिवजी भगवान को प्रसन्न करना था तो 1 पैर पे खड़े होकर 19 साल तपस्या की थी। तो भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में मनुष्य क्या करे, जब उसको कष्ट आए, जब उसको परेशानी आए, तो वो ऐसे में देवी देवताओं की शरण ले, क्योंकि देवी देवताओं को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है, आप उनको फिर भी सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए जब नवग्रह देवताओं को ये कार्य मिला, क्योंकि वो इमीडिएट आपसे कनेक्टेड है, यहां आपको आपका कोई बुरा कर्म हुआ या कोई अच्छा कर्म हुआ तो नवग्रह देवता उसके साक्षी बने। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु,
तो ये सभी आपको अच्छे फल भी देते हैं, बुरे फल भी देते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है तो जब आपका जन्म होगा तो आपकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे होकर के बैठेंगे, और अगर पिछले जन्मों में आपने बुरे कर्म किए हैं तो ये सभी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बुरी अवस्था में, नीच की अवस्था में, बुरी राशियों में फिर बैठते हैं। ऐसे में जन्म से ही व्यक्ति को देखा गया कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें उसके सामने आती हैं, और अगर देवी देवताओं की या नवग्रह की कृपा उनको होने लगे तो वही बुरे फल अच्छे में परिवर्तित होने लगते हैं। इसीलिए हमारे शनिपीठ मंदिर में हमारे पूज्य गुरुजी गुरु श्री रजनीश ऋषि जी के आशीर्वाद से और उनके ज्ञान और तपस्या से हम आप सभी लोगों के बीच में इस बात का प्रचार करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना तो बहुत अनिवार्य है, वो तो आपका अल्टीमेट गोल है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो प्राप्त करना ही है। लेकिन अगर अभी कोई समस्या आई है तो उस स्थिति में ईश्वर की शरण में सीधा ना जाते हुए अगर देवी देवताओं को पहले प्रसन्न करेंगे तो आपकी वो जो समस्या अभी के समय आ रही है वो जल्दी ही हट जाएगी। और ऐसे में नवग्रह देवताओं को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट है वो काफी कम होने लगते हैं। बहुत से लोग हैं भक्ति करना चाहते हैं, आप कहोगे कि भगवान की भक्ति क्यों ना करें, तो बहुत से लोग हैं आप देखोगे कि भक्ति करना चाहते हैं लेकिन भक्ति भी उनसे नहीं हो, उसमें भी कोई अड़चन आ जाती है। तो जब तक कि उन ग्रहों को आप प्रसन्न नहीं करेंगे वो आपको अच्छी दिशा की ओर नहीं जाने देंगे। तो कर्म तो आप ही के हैं, लेकिन अब उसको अच्छे कर्म करके आप बुरे कर्मों का फल काट सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक नियम सा बना लिया है कि हर पहली जनवरी को कि एक नए साल का आरंभ होता है, वैसे तो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से होता है लेकिन क्योंकि लोग मानते ही इसको, अब हम जॉर्जियन कैलेंडर ही फॉलो करते हैं तो जब मानते ही इसको है तो उसे नया वर्ष सब मानते हैं। तो जब नया वर्ष आप उसे मानते हैं तो वो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा हो, आपके साथ कोई अनहोनी घटना ना घटित हो, आपके साथ कोई परेशानी ना आए, आपको धन की तंगी ना आ जाए, आप अचानक से कर्ज में ना चले जाए, बीमार ना पड़ जाए, आपकी रक्षा होती रहे, आपकी परिवार की रक्षा होती रहे। इसी कामना से हम ये नव ग्रह का जो यज्ञ है नव वर्ष पर करते हैं। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी कोई भी फीस नहीं है, हम इसमें किसी प्रकार की कोई फीस कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर आपको अपने नाम से जो आहुति देनी है उसके लिए आप कोई दक्षिणा देना चाहते हैं, व्यवस्था के लिए कोई दक्षिणा देना चाहते हैं, जो उसमें सामग्री लगेगी उसके लिए कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे एक रुपया ही क्यों ना दें, आप देखेंगे उतने ही भाव से, उतने ही प्रेम से, उतने ही शिद्दत से हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। चाहे कोई 10 लाख रुपए दान कर रहा है उसके लिए भी उतनी ही शिद्दत से प्रार्थना करते हैं। तो जो भी आपको सामर्थ्य हो जितना आप कर सके उसमें कोई दक्षिणा नहीं है, नहीं भी देना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम आपके नाम से आहुति देंगे या आप स्वयं आकर के वहां पर आहुति दे सकते हैं। आपसे किसी प्रकार की दक्षिणा या फीस नहीं मांगी जाएगी। 1 जनवरी 2023 को ये नव वर्ष का जो यज्ञ है नवग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। आप सभी सामूहिक रूप से आए, उसमें अपने नाम से आहुति दे, पंडित जी आपको विशेष पूजा कराएंगे और हम तो वहां पर होंगे ही, श्री सूक्त का सब मिलके पाठ करेंगे ताकि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और गरीबों के बीच में आप लोगों के साथ आप लोगों के नाम से लंगर सेवा का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी को मैं 1 तारीख को देखना चाहती हूँ, इसीलिए पहले से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सभी अपने आने की व्यवस्था कर लें। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, 1 जनवरी को आपसे मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ, फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा, सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने, तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा, सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने ऐसे ही पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा 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 झगड़ा, और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से, जितना भी काम बनते बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का, ये 1 हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे 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 असर दिखाने लगा, तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए, सब कुछ बीमार ठीक हूँ मैं अभी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियां देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था। गुरु माँ कहीं दिखा लूं तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़ाका में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था। गुरु माँ इतना आपने, हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया। गुरु माँ आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।